एक स्नेल को देखकर हंसने लगते हैं। टीटू थियो को ट्रैक पे उतार देता है। थियो अपनी पूरी स्पीड के साथ रेसिंग टेस्ट देने लगता है। वहाँ के सारे लोग उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। उस रेस में थियो की स्पीड 226 किलोमीटर पर आवर थी, जो कि रेस में हिस्सा लेने के लिए काफी थी। थियो की रेसिंग वाली वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाती है। सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ये खबर इंडिकार के सीईओ तक भी पहुंचती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको बताता है कि वो एक स्नेल को रेस में हिस्सा लेने नहीं दे सकता, पर वहाँ के सारे लोग इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तभी गानियस भी कहता है कि कोई भी रेसर छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए उस स्नेल को भी रेस करने का पूरा हक है। इंडिकार के सीईओ को भी उनकी बातें माननी पड़ती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पर चेट अभी भी उदास था। रात में थियो उससे बात करता है कि वो उसके रेस में हिस्सा लेने से खुश क्यों नहीं है। चेट उससे कहता है कि उसे उसकी परवाह है, वहाँ रेस में बहुत सारी गाड़ियाँ होगी, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। पर थियो उसे कहता है कि